Hello guys, welcome to ExamV. तो in this session we'll do live answer writing, तो जो कि आपका ESI पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ESI डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए फॉर योर अपकमिंग नाबार्ड ग्रेड ए 2022 फेज 2। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे, बेसिकली हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ESI में हमने अलग टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी देख रखे हैं, तो एक बार हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे कि कैसे उसको अप्रोच करना है, उसमें क्या क्या रूल्स रहते हैं, आपको कैसे क्या फॉलो करना है, वो सब डिटेल्स हम एक बार इसमें देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल, ताकि ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। कोई भी क्वेरी है आपका एग्जाम्स के रिलेटेड, hello@iexamv.com पे आप मेल कर सकते हो। सो ये एक अप्रोच के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था। आपको अपार्ट फ्रॉम शॉर्ट नोट्स जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। Those are your answer must have intro, body and conclusion. Introduction will tell us about the topic. Body में you will write what is asked in this exam, and conclusion में you will conclude the whole thing. कि इस पे कोई सजेशंस दे दिए, योर पॉइंट ऑफ व्यू दे दिए। दिस इज हाउ यू नीड टू फ्रेम योर आंसर्स। बट शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में थोड़ा अप्रोच थोड़ा सा अलग रहता है। We'll see. So here is a 15 मार्कर क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछ रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स RRBs, NABARD एंड पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। दिस इज अ 15 मार्कर। 15 मार्कर में यू हैव टू राइट 600 वर्ड्स मिनिमम। तो यू कैन एक्सपेक्ट, आपको आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप 200 वर्ड्स ईच तीनों में शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम। तो उस हिसाब से आप ट्राई टू फ्रेम योर आंसर। आप पास में कोई कॉपी है, उसमें ट्राई टू फ्रेम योर आंसर। उसमें क्या क्या करोगे आप, व्हाट ऑल थिंग्स यू विल राइट देयर, एक फ्रेम बनाओ। एंड देन हम जब आंसर देखेंगे उससे आप कंपेयर करना, तो अब आपको पता लगा कि व्हाट इज योर स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू यू नो दिस शॉर्ट नोट्स। तो पहला जो है RRBs हैं, रीजनल रूरल बैंक्स। सो इसके बारे में हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। तो यू विल हैव टू राइट ओनली 200 वर्ड्स। इसमें बहुत कुछ इधर उधर का नहीं लिखना है, क्रिस्प लिखना है, जो दैट इज इम्पोर्टेंट वो लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। RRBs वर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1975। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव टू कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम। जो रूरल एरियाज में, जो स्पेसिफिकली रूरल इंडिया में क्रेडिट की इशू रहती थी, तो उसे सही करने के लिए RRBs वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1975। यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर एम्फेसिस किस पे है, एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। तो यहाँ से आपको RRB का इंट्रोडक्शन मिल गया, व्हाट आर RRBs, ठीक है। तो अभी उसके बारे में थोड़ा, उसका जर्नी क्या कैसा रहा, थोड़ा लिखेंगे। RRBs आर इंटीग्रल सेगमेंट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम विद फोकस ऑन सर्विंग रूरल एरियाज। दिस इज ऑल अबाउट रूरल एरियाज, नाम में ही रूरल है। As of now, these many RRBs are serving in our country, and RRBs are jointly owned by center, state, and sponsor bank with stake of 50%, 15%, and 35% respectively. ये total RRBs का number आप एक बार देखना, जो current है उसी को लिखना है, और इसे अगर नहीं भी लिखना है that is okay, ठीक है, that is fine। यहाँ पे आप number एक बार खुद check कर लेना, ये फॉर रेफरेंस पर्पस हमने डाला है। लेकिन ये RRB को आप जब भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप ये चीज मिस नहीं कर सकते, जो उसका ओनरशिप परसेंटेज है ना, कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50% ओन करता है, स्पॉन्सर बैंक 35% ओन करता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट 15% ओन करता है। ये इसको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हो देयर आर ओनली 3 लाइन्स, और RRBs का RRB क्या है टू अ लेमैन वो समझा देगा। तो ऐसे ही करके आप जस्ट इंट्रोडक्शन देना है। फिर क्या लिखना होगा आपको, RRB का फंक्शंस क्या होते हैं, बिकॉज आपको शॉर्ट नोट्स पूछा है और बहुत कुछ इधर उधर का डिटेल्स नहीं डालना है। तो आप अगर पढ़े होंगे RRBs का फंक्शन तो आपको पता होगा, देयर आर 5 सेट्स ऑफ फंक्शन। क्रेडिट टू रूरल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल क्रेडिट पे दिया जाता है। रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कैसे करेगा वो भी देखा जाता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाई RRBs, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इंक्लूजन। दीज आर द मेजर 5 फंक्शंस ऑफ RRBs। तो इसमें क्या करना है, व्हाइल मेकिंग नोट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रूरल बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ योर ESI सिलेबस। तो इसमें ये RRBs, NABARD, माइक्रो फाइनेंस, ये सारे इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, ये सारे चीजें ना आपका सिलेबस में आ जाता है। ऑल्सो इन पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो इस पे आपको नोट्स बनाना है, स्पेसिफिकली RRBs का नोट्स बनाना है। तो वहाँ पे भी ऐसे इंट्रो एंड फंक्शंस ये लिखोगे एंड सम फ्यू फैक्ट्स अबाउट आरआरबी, ऐसा करके नोट्स बनाओगे ताकि आपके पास कंटेंट रेडी रहे एग्जाम में, आपको फिर वहाँ पे बैठ के सोचना ना पड़े। ठीक है, तो किसी ने ऐसा नोट्स बनाया होगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा बहुत जल्दी। देखो, क्रेडिट टू रूरल इंस्टीट्यूशन आप लिख दोगे, एफपीओस को, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज को, पैक्स को, ये सबको मिलता है लोन। इंडिविजुअल क्रेडिट दिया जाता है फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन, पेजेंट्स, ये सबको इंडिविजुअल क्रेडिट भी मिलता है। रूरल इकोनॉमी बूस्ट किया जाता है, एसएचजी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लोन दोगे तो अल्टीमेटली रूरल इकोनॉमी भी बूस्ट होता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं ना, डैम बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसेस, इसके लिए भी लोन्स वगैरह मिलता है। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये एक मेजर पॉइंट है। आरआरबी को बनाया इसीलिए गया था कि रूरल पॉपुलेशन जो है उनको मेन स्ट्रीम, इकोनॉमी का मेन स्ट्रीम हम ले पाए। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन बाई गिविंग दिस फैसिलिटीज लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट फैसिलिटी, पेमेंट ट्रांसफर एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी इंश्योर करता है रूरल एरियाज में। बस दैट इज ऑल अबाउट द आंसर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इतना अगर लिखोगे तो आप 210 वर्ड्स हो जा रहे हैं। तो दिस इज क्रिस्प आंसर। तो ये क्रिस्प आंसर है, जो पूछ रहा है वो लिखे, इधर उधर का ज्यादा नहीं। आरआरबी क्या है, आरआरबी के फंक्शंस, बस एंड ऑफ द आंसर। और शॉर्ट नोट्स में यू डू नॉट हैव टू राइट इंट्रो, कंक्लूजन एंड एवरीथिंग, आप ऐसे प्लेन करके लिखना। बस एंश्योर कि यू आर पुटिंग दिस पॉइंट्स, पॉइंट फॉर्मेट में लिखो। इन योर एग्जाम यूजर इंटरफेस आप इतना ही कर सकते हो, ए डॉट फिर देके कर सकते हो। यू कैन नॉट बोल्ड, यू कैन नॉट अंडरलाइन, यू कैन नॉट पुट इटैलिक्स इनटू योर आंसर्स, इतना कर सकते हो। व्हाट आई सजेस्ट ऑलवेज इज, जब भी आप कोई हेडिंग लिख रहे हो, ट्राई टू कैपिटलाइज द हेडिंग वाला पार्ट। इन दिस पार्ट ना यू कैन कैपिटलाइज, सॉरी कैपिटल कर देना ऐसे, फिर वो ना एग्जामिनर को पता लग जाता है कि चलो ये एक हेडिंग है। ठीक है, तो इससे फिर क्या होता है ना, आपका आंसर को पढ़ने में एक फ्लो आ जाता है। तो एग्जामिनर आपको आपका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि एग्जामिनर का काम को आप आसान कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच दीज आंसर्स। एंड मेजर इज कंटेंट हियर। आप देख रहे हो कि शॉर्ट नोट्स में कंटेंट इज द किंग, हर चीज में कंटेंट इज द किंग, बट शॉर्ट नोट्स में फ्लो एंड एवरीथिंग इतना मायने नहीं रखता है, बहुत ज्यादा आपको कंटेंट मायने रखेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यू विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट वन वाज ऑफ नबार्ड, आपने देखा था 3 पूछा गया था, दिस इज योर नबार्ड वाला क्वेश्चन। तो हर चीज में वही आपको इंश्योर करना है, 200 वर्ड्स के करीब लिखना है। तो नबार्ड को आप इंट्रोड्यूस कर दो। नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी, and NABARD has been doing phenomenal work in the domain of agriculture and rural development. This function can be broadly categorized as follows. मतलब अब देखो, ये 2-3 लाइन में आपने इंट्रो कर दिया। Do not expect कि आप बहुत कुछ इसमें लिखोगे इंट्रो में, ये वो कुछ नहीं। फैक्ट लिख दिए, कब बना था, कौन सी कमेटी ने बनाया था। I've already told you कि try to put these facts, years, committee, कोई रिपोर्ट है, कोई इंडेक्स का रैंकिंग है, यू हैव, मतलब आप कॉन्शियसली ट्राई करना कि आप इसे सब डालो इसमें, किसमें, आपके आंसर्स में। और अभी पूछोगे कि ये सारे फिगर्स कैसे लाएंगे, जस्ट लुक एट द सिलेबस, सिलेबस के रिलेटेड फैक्ट्स आप 20-22 फैक्ट्स रेडी कर दो, तो कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे आपका। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच। ये हो गया क्या आपका इंट्रो हो गया। फिर हमें क्या लिखना है, नाबार्ड का 3 फंक्शंस 3 कैटेगरी होते हैं, आपको पता है, फाइनेंशियल, डेवलपमेंटल एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। दिस इज क्लियरली गिवन इन द वेबसाइट एज वेल। नाबार्ड के ऊपर जब आप नोट्स बना रहे हो, जस्ट विजिट द वेबसाइट, वेबसाइट में ये फंक्शंस लिखा गया है, फाइनेंशियल, डेवलपमेंटल एंड सुपरवाइजरी। अभी क्या करना है, ये 3 हेड्स को यू नीड टू एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं करना है। वी हैव टू कीप द वर्ड लिमिटेड 200 वर्ड्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़े ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि दिस विल वर्क एज अ फोडर मटेरियल फॉर यू, बट इसमें आपको कॉन्साइज करके लिखना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल फंक्शंस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डायरेक्ट फाइनेंसिंग एंड रीफाइनेंसिंग। डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है, तो आरआईडीएफ आपको पता होगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये डायरेक्टली मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे वेयर हाउसिंग के लिए, रूरल हाउसिंग के लिए, सैनिटेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, इसके लिए डायरेक्ट पैसा दे देता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये हो गया डायरेक्ट फाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग क्या है, थ्रू वेरियस आरआरबीज एंड कमर्शियल बैंक्स, नाबार्ड विल गिव लोन टू आरआरबीज एंड आरआरबीज विल अल्टीमेटली गिव टू द बोरोवर। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया आपका रीफाइनेंसिंग। सो दिस इज द 2 वेज थ्रू व्हिच नाबार्ड को फाइनेंस करता है। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनेंशियल फंक्शंस। फिर आगे आपका डेवलपमेंटल फंक्शन। डेवलपमेंटल फंक्शन में देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे चीजें लिखा गया है, बस ये है आपको आपका फोल्डर मटेरियल है, आपको आपके नॉलेज के लिए दिया गया है, तो आपको इसमें से एक एक लाइन ही लिखना है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशंस क्या है, एसएचजीज हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, एफपीओज हैं, उनको डेवलप करना, बस एक ही लाइन में लिखोगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने ऑलरेडी देख लिया फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो इसमें क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड एक है और फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्निकल फंड एक है, उसमें आरबीआई अपना सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नाबार्ड मिल के काम करते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी काम किया जाता है। फार्म सेक्टर डेवलपमेंट के लिए आप देखे हो क्रेडिट दिया जाता है, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, रूरल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया जाता है, ये सारा फार्म सेक्टर डेवलपमेंट के लिए आ गया। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंटल में चार फंक्शंस आप देखोगे वेबसाइट में क्लियरली मेंशन है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फोर फंक्शंस ऑफ नाबार्ड, ठीक है, मतलब अंडर डेवलपमेंटल फंक्शन। तो यहाँ पे आप देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू इन डेप्थ स्टडीज एंड अप्लाइड रिसर्च, ये भी किया जाता है, तो दिस इज आपका डेवलपमेंटल फंक्शन। फिर आगे आपका सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी फंक्शन क्या है, नाबार्ड हैज बीन गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सुपरवाइज रीजनल रूरल बैंक्स टू एंश्योर दैट बिजनेस कंडक्टेड बाय दिस बैंक्स इन कन्फॉर्मिटी विद द प्रोविजंस रिलेवेंट टू एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो एक होता है सुपरविजन, एक होता है रेगुलेशन। तो सुपरविजन कैसे करते हैं, जो आरबीआई इसे रूल्स कौन बनाएगा, रूल्स आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव बैंक्स के केसेस में स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। तो सुपरविजन क्या होता है, नाबार्ड विल इंश्योर इफ दोज रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज आर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड, उसे फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सुपरविजन, ठीक है। तो नाबार्ड इज नॉट अ रेगुलेटरी बॉडी, इट इज सुपरविजरी बॉडी। तो आप देख रहे हो कि ये सुपरविजन किया जाता है आरआरबीज को एंड सम कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो ये हो गया आपका सुपरविजरी रोल, बस इतना ही लिखना था आपको, बहुत कुछ इधर उधर का नहीं लिखना है आपको, 200 वर्ड्स में से लिमिट करना है। जहां पे शॉर्ट नोट्स आ गया, शॉर्ट नोट्स में आप याद रखना कि जो मेजर टारगेट है आपका वो है क्रिस्प कंटेंट देना, ठीक है, आप कम वर्ड्स में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इसमें आप देखो पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में देयर आर सर्टेन पॉपुलेशन पॉलिसीज ऑफ इंडिया जो सिंस इंडिपेंडेंस हो गया है, बट इसमें आपको एक ही पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया आपको मेंशन करना है जो कि है लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कैसे करोगे, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या इशू है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग इन इंडिया। 2.4% ऑफ ग्लोबल सरफेस 137 करोड़ पॉपुलेशन है, ये सारा फिगर्स आपने दे दोगे एंड यहाँ ट्राई टू मेंशन द सोर्स एज वेल, कितना पॉपुलेशन था इस पर सेंसस 2011, ये आप मेंशन कर देना। सोर्स हमेशा जहां पे भी आप फिगर्स दे रहे हो ऐसा इंपॉर्टेंट फिगर्स, वहां पे ऑलवेज मेंशन द सोर्स, ठीक है। एंड मेजर सोर्स क्या है, सेंसस है, एंड गवर्नमेंट की सोर्स ही मतलब आप यूज करना, तो ऐसे करके करोगे। एंड यहाँ पे और थोड़ा डिटेल्स दिया गया, विद द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट 1951 द डेथ रेट इज डिक्लाइंड। आपको पता होगा कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो कैसे होता है, पहले मतलब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट रहता है, फिर बर्थ रेट हाई रहता है डेथ रेट कम होता है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे हम स्टेबल पॉपुलेशन की तरफ आते हैं। टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर टास्क ऑफ द गवर्नमेंट, जो अभी मेजर हेडेक है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे विल डिस्कस ओनली नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000, दिस इज द लेटेस्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू एड्रेस द अनमेट नीड्स, कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ पर्सनल and to provide integrated service delivery for basic reproductive child health care. इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जितने पॉपुलेशन है हम उनको ये सारे सर्विसेज दे पाए, ठीक है, मेजर ऑब्जेक्टिव ये था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में नंबर्स यू हैव टू मेंशन, एक तो हो गया लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। पॉपुलेशन पॉलिसी इज देयर इन द सिलेबस, तो सिलेबस में जो पॉइंट है आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एक ही पॉपुलेशन पॉलिसी करना है, 70s में और कोई पॉपुलेशन पॉलिसी आया था नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये एक ही पॉपुलेशन पॉलिसी पे नोट्स बना देना। 2045 तक हमें क्या चाहिए, स्टेबल पॉपुलेशन चाहिए। तो दीज आर द माइक्रो टारगेट्स, अचीव जीरो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बाय 2045, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 34,000 लाइव बर्थ्स ये लाना है, maternal mortality rate of below 100 per 1 lakh live births, reduce birth rate 21 per 1000, reduce total fertility rate TFR to 2.1% by 2010। ये भी फिगर्स हैं, ये 2010 वाला है, लेकिन दिस इज द ओनली पॉपुलेशन पॉलिसी वी हैव एज ऑफ नाउ, सो देयर इज नो इशू अगर आप 2010 वाला टारगेट्स में यहाँ पे मेंशन कर रहे हो। बट एंड में आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो। वैल्यू एडिशन ये हो सकता है, अभी रिसेंटली एनएफएचएस 5 का डाटा है आपके पास, उसमें टीएफआर का पता है 2 पॉइंट आ गया है, 2.0 आ गया है और बाकी में भी कुछ फिगर्स चेंज हुए हैं। तो एनएफएचएस का डाटा आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, मतलब एक दो लाइन में बस, एज पर द रिसेंटली कंडक्टेड एनएफएचएस 5 इंडिया हैज बीन एबल टू अचीव दिस टारगेट्स एंड आगे वाले सिचुएशन में जिसे ऐसे ही अगर कंटिन्यू करते रहे तो वी विल बी डेफिनेटली अचीविंग आवर स्टेबल पॉपुलेशन वाला टारगेट बाय 2045। तो दिस इज हाउ यू नीड टू एंड। तो यहाँ पे आपने क्या आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का, फिर यू वेर एबल टू कनेक्ट दिस आंसर विथ द करेंट डाटा, एनएफएचएस 5 अभी आया है तो करेंट डाटा भी आपने मेंशन कर दिया। तो देखो ऐसा ही करके आपको आंसर फ्रेम करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको डाटा कहाँ से लाना है, कैसे जुगाड़ करना है डाटा का, जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस। ऑन ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव टू स्टोर वन और टू मैक्सिमम डाटा। तो एनएफएचएस 5 को आप कहाँ पे रखोगे, पॉपुलेशन पॉलिसी पे एनएफएचएस 5 को यूज कर लिए, हेल्थ पे एनएफएचएस 5 को यूज कर लिए, वुमेन पे एनएफएचएस 5 को यूज कर लिए। देखो एक एनएफएचएस 5 में 6 डाटा होंगे जो आपके एग्जाम रिलेवेंट होंगे, वही 6 डाटा को आप 3 जगह यूज कर पा रहे हो। तो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क, दिस इज हाउ यू नो आप स्मार्ट अप्रोच रखना है आपको, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव करने के लिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच एंड दिस इज हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर्स। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट यू हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, देन ओनली यू अटेम्प्ट द आंसर। बिना स्ट्रक्चर का आप लिखोगे तो बहुत ही गंदा हो जाएगा आपका आंसर। पहले स्ट्रक्चर बना दो रॉफ्ट में, फिर आप अटेम्प्ट करो आंसर को, ठीक है। तो दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू, डिस्कस द इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, तो आप इसको आंसर करो। लॉट ऑफ टेलीग्राम चैनल्स, हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे आप पोस्ट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करते हो। कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट ट्राई करना कि आप क्या स्ट्रक्चर मेंटेन करोगे इसमें, बस वो स्ट्रक्चर आप लिखना कि व्हाट यू विल राइट इन इंट्रो, व्हाट यू विल राइट इन बॉडी, व्हाट यू विल राइट इन कंक्लूजन। ये स्ट्रक्चर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। ये आप करके प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। So I hope ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा and you are able to learn a few things about descriptive writing and please subscribe to channel and press the bell। और बहुत सारे videos हम लाएंगे आप before your phase 2, तो उसका notification आपको मिल जाएगा। hello@exambe.com पे आप मेल करना if you have any doubts।